भाई साहब ये नए कैमरे की क्वालिटी तो कुछ ज्यादा ही मस्त है यार, जो नहीं दिखना होता ये 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 यहाँ तक, पुराना कैमरा मेरा यहाँ तक आता था ठीक है, और ये नया वाला कैमरा यहाँ तक आ रहा है। अभी मैं कोई चीज दिखा दो ठीक है, ये देख रहे हो बाकी चीजें भी दिख सकती है अगर मैं जूम आउट करूंगा तो यार वो अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो यार फोकस नहीं, ठीक है नीचे वाला डिपार्टमेंट जो है अभी नहीं दिखाते, लेने के देने पड़ते ऑब्वियसली कुछ पहन के रखा है ठीक है, मैं नंगा पुंगा नहीं बैठता यहाँ पर। तो चलिए गाइस आज हम रिएक्शन देंगे इंटरनेट की कुछ फनी फनी मीम्स पर, जिनको ऑब्वियसली देख के आप भी हंसोगे और हम तो हंसते रहते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? बात ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म भाई। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? थारा भाई। गाड़ी कौन चलाएगा? आज थारा भाई गाड़ी चलाएगा, बात ही खत्म है इसकी, आगे क्वेश्चन ही नहीं करने इसके बाद। मेरे को याद है बचपन में जब हम स्कूल के अंदर होते थे तो मोस्टली क्वेश्चन हम यही करते थे, उल्टे जवाब, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता वो जवाब। जैसे कि टीचर मुझसे पूछते मम्मी कहाँ पर रहता है? मैडम मैं घर पे रहता हूँ। अब मैडम को पता है कि ये जो चोमुगिरी कर रहा है ना ये जानबूझ के कर रहा है, और हमें ये पता है कि मैडम को पता है कि ये जो चोमुगिरी हो रही है वो जानबूझ के हो रही है, लेकिन ये चोमुगिरी करके हम खुद को एकदम स्कूल का कूल बंदा समझते थे। तो ये मेरे को पता है आपने भी सारी चीजें की होंगी। मुख्यमंत्री बन गए तो आप क्या करोगे? देखो हमने पढ़ाई की ऊंचे लेवल की, ये छोटे मोटे काम, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये चीफ मिनिस्टर, ये MLA, ये हम हमारे बस की बात नहीं है भाई, हमें काम चाहिए ऊंचा, इट्स बिजनेस ब्रो, हमने करना बड़ा बिजनेस, छोटे मोटे काम में हम नहीं बनने वाले भाई, हमें पूरा देश संभालेंगे। डीप इनसाइड आई डोंट थिंक इसको पता भी होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है। हैरान करने वाली खबर सामने, सनसनी खबर आई है गाइस सामने। चोरी के मकसद से SDM के घर पहुंचे, लेकिन जब चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा तो चोरों ने SDM के नाम घर में एक चिट्ठी छोड़ी। चोरों ने इस चिट्ठी में लिखा, जब पैसे नहीं थे लॉक क्यों लगाया कलेक्टर? ये लगता है मार्केट के अंदर गाइस नए चोर आए हैं, इनको फंडा समझ में नहीं आया, आजकल सारे पैसे जो है हमारे बैंक के अंदर पड़े होते हैं, घर के अंदर कौन पैसे रखता है, घर के अंदर एक चिल्लर पड़े होंगे ठीक है, इनको तोड़ो मत। लेकिन हमारे जो कलेक्टर साहब थे वो भी एकदम से तेज दिमाग के, उनको पता था कि उनके घर के अंदर चोरी होने वाली है, तो वो चोर से दो कदम ज्यादा आगे, मतलब जेम्स बॉन्ड से भी दो कदम ज्यादा आगे, उन्हें जानबूझकर एक बड़ी सी तिजोरी ली और उस बड़ी सी तिजोरी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ताला लगाया ताकि लोगों को लगे अंदर वाकई में माल पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए, पंटर बड़ा हथौड़ा दे। अरे सुनील बड़ा हथौड़ा लेके आ, देख ले रहा बड़ा ताला, एक ही बार में सारा माल ले लेंगे। सुनील क्या कर रहा है? अरे चेनसो लेके आ बड़ा ताला। सुनील भाई TNT ले गया बड़ा ताला, अंदर मोटा माल होगा, और जैसी तिजोरी खुली अंदर कुछ भी। You want a Sprite? What age will you get married? तो ये उन बच्चों में से है जो मम्मी को बोल कहते हैं मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और पढ़ाई करने के बहाने रीले बन रही है यहाँ पर, टिकटॉकर, ये हैं हमारे टिकटॉकर भाई, इनके मुंह के एक्सप्रेशन पूरा पूरा बता रहे हैं कि इनकी अभी फुल के बैंड बजने वाली है। ये चपेड़ वाला सीन तो सिर्फ आपने वीडियो में देखा है, इसके बाद एक घंटा लेक्चर होगा, उसके बाद फिर खाना बंद, उसके बाद फिर दो घंटे पिटाई, फिर झाड़ू से पिटाई, फिर लेक्चर, फिर पढ़ाई की धमकी, मतलब कि पूरा बेड़ा गर्क हो गया इनका, सिर्फ 10 सेकंड की रील बनाने पर एकदम खत्म समाप्त। स्ट्रेंज उस मंत्र को मत पढ़ना, इसमें बहुत खतरा है। ठीक है नहीं पढ़ूंगा। अंडी मंडी शंडी। ओके इसका एक्चुअली मेरे को मतलब पता है ठीक है, तो तभी मैं इतना फूट फूट के हंस रहा हूँ ठीक है। हमारे यहाँ भी इक्वली चीजें होती रहती है, मेरे को याद है स्कूल के अंदर, ये सारे स्कूल की बातें हो रही है, स्कूल के अंदर भाई ये एक्चुअली ढेर है, तो बेसिकली ये ढेर टाइप चीज होती है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा मुझसे ज्यादा तेज है आप लोग, मेरे को पक्का पता है। तो स्कूल के अंदर ब्रेक टाइम जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तब ये ढेर काम आते हैं, अगर कोई बच्चा ब्रेक के दौरान ये चैलेंज नहीं करेगा तो ये वाली गाली उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी, और सारे बच्चे पता है यहाँ पर एक एक बंदा चैलेंज देता था और सारे बच्चे भाग के वो चैलेंज कंप्लीट करते थे, उनको एक्चुअली लगता होगा कि अगर मैं चैलेंज नहीं करता तो एक्चुअली में ये गाली मेरे साथ चिपक जाएगी और ये मेरे को नहीं चाहिए। तो पूरा दिल लगा के भाई, इतनी दिल लगा के उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी जितना दिल लगा के ये लोग चैलेंज करते थे। ये वाला तलाक देने वाले का नाम अनीता मिश्रा,
और जिसको तलाक देना चाहती है उसका नाम विभूति नारायण मिश्रा। दोनों के बीच का रिश्ता भाई ये सीन देख के मेरे को हीरो बन की वो कोर्ट वाला सीन याद आ गया, लॉयर वाला सीन याद आ गया। सर दलीप क्लास मॉनिटर, अरे आरआरआर के स्पेशल ऑफिसर मेरे को लग रहा है ये। ड्रैगन स्क्रॉल प्लीज स्पीक इन इंग्लिश डिलर। मैं वचन देता हूँ। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म। इनका रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ से इनको समझ में आ रही है पक्का तैयार होकर। और इसकी डायलॉग बस ही देखो, तैयार होकर भंडार में गया था, भंडार में गया तो हलवा खत्म। भाई रिएक्शन तो इनको देना चाहिए यहाँ पर। बाहर आया तो चप्पल गायब। बाजार के अंदर लगी थी ऑफर के ऊपर, भैया ने बोला था चप्पल 500 रुपए की है, लेकिन मैंने भाव तोल करके 150 रुपए में ले ली, लेकिन वो चप्पल घूम नहीं सकती। नहीं क्रिंजी कंटेंट। आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है भाई। कितना डरा हुआ है। अच्छा लगता है हां, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सब्जेक्ट विषय। उसको लगा कि सज्जन पूछ रहे कौन सी सब्जी अच्छी लगती है। बैंगन, बैंगन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई। मैं दिन रात सुबह उठ के बैंगन ही पढ़ता हूँ, किताब खोली बैंगन बनाता हूँ, बैंगन के बारे में पूरा मैंने पढ़ा हुआ है। मैं तो बैंगन के ऊपर ऐसे लिखता हूँ, लोग किताब के अंदर ऐसे लिखते हैं, मैं बैंगन के ऊपर ऐसे लिखता हूँ। मैं बैंगन पकड़ के सोता भी हूँ, बैंगन से बैट बॉल खेलता हूँ, बैंगन से मैंने मच्छर पकाए हैं, बैंगन से मैंने मक्खियां पकाई हैं। भाई आजकल के सारे काम जो है मैं बैंगन से करता हूँ। लोग थापी से कपड़े धोते हैं, मैं बैंगन से कपड़े धोता हूँ। बैंगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश अच्छा लगता है? हाँ। ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? हाँ। पोयम याद है? 55 इंग्लिश में कौन सी पोएम आती है? मैं इंग्लिश के अंदर मेरे को 85 पोएम्स आती हैं। हाँ मैं 20 के स्पेलिंग जानता हूँ इंग्लिश में। इसके दोनों डोज लग गए हों, उसी को हम दारू बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए? तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं। ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही देख रहे हो। हमारा अनुमान है कि जो बंदा दारू पीता है वो एक्चुअली सही बोलता होगा, ठीक है। अभी इमेजिन सीआईडी में रोल चल रहा है, सनसनी खबर, एकदम बड़ा क्रिमिनल लोगों ने पकड़ दिया, वो सच नहीं बोल रहा। दया इसे देसी पिलाओ दया। दो पैक दया अंदर जाएंगे, सारा सच ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ये थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री ये पुराने हो चुके हैं, आजकल देसी चल रही है, इसकी आग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये इसको अगर पटियाला पैक पिला के दिया ना तो ये अपनी स्टेटमेंट हाथ से लिख के उसके ऊपर साइन भी कर देगा। दया बोतल लेके आ बढ़िया। हेलो वर्ल्ड डॉट बॉयज, तुम इसकी स्पीच ट्रेनिंग करा दो, मैं अभी आया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ दिखाओ कैसे ट्रेन किया तुमने इसको। वो क्या है, जल्दी आ गए ना आप। चलो बोलो। दाल मखनी, बटर पराठा, बटर चिकन, बटर नान, असली मक्खन के साथ होए, अमूल मक्खन, असली मक्खन। मक्खन खाओ, असली खाओ, अमूल लाओ, अमूल है टेस्ट, अमूल है बेस्ट, एंजॉय असली बटर, मस्का मार के। इससे एक्चुअली मेरे को स्कूल के कारनामे याद आ गए। मेरे को एक बार याद है कि टीचर ने मेरे को बोला कि चपाती, ओके टीचर मेरे को चपाती नहीं बोलते थे, ठीक है। टीचर ने मेरे को बोला पम्मी ये फटाफट से लाइन लिख दे, ये शीट है इसको कॉपी करके स्प्रेडशीट के अंदर डाल के इसका एक्सेल बना के इसको प्रिंट कर दे, मैं 2 सेकंड के अंदर आती हूँ। तो जैसे टीचर बाहर गई हमारी गेमिंग चालू। बिल्कुल वही किया इसने। तो चलिए गाइस छोटी सी बड़ी तरह काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं पता नहीं ऐसे ऐसे इंट्रो में ऐसे 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 क्यों करता रहता हूँ, बट एनीवेज मेरे को बहुत मजा आता है। तो अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।